आज हम बात करने वाले हैं मर्सिडीज बेंच के ऊपर। एस क्लास गाड़ी है ये। इसका जो है कैमरा नहीं चल रहा, तो देखते हैं इसमें क्या एरर कोड वगैरह आ रहा है। तो जो पीछे का रिवर्स कैमरा है वो दिखा नहीं रहा इसमें, सिर्फ इसमें एरो बन के आ रहा है और इसका कैमरा चल नहीं रहा, तो इसमें देखते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट कर लेते, ठीक है, देखते इसको गाड़ी स्टार्ट। देख सकते हो यहाँ पे आप गाड़ी जो है अभी कुछ भी शो नहीं कर रहा, तो ये गाड़ी जो है पार्किंग में है। अभी हम लोग उसको रिवर्स डालते हैं, देख सकते हो यहाँ पे पी लिखा हुआ है। इसको गियर चेंज करते, आर में डालते, हैंड ब्रेक डाउन, देख सकते हो गाड़ी आर में चली गई क्या है, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ जो पार्क टॉनिक का लाइन बन के आ रहा है वही दिखा रहा है इसके अंदर। जो बम्पर में सेंसर लगे हुए रहते हैं उसका जो पार्क टॉनिक का रहता है वही दिखा रहा, बाकी जो पीछे का कैमरा दिखाना चाहिए वो ऑन नहीं हो रहा। जो बैक साइड में कुछ गाड़ी वगैरह जा रही है क्या नहीं, सिर्फ ओनली जो क्या बोलते हैं डिस्टेंस का जो कैमरा रहता है, उस डिस्टेंस का जो सेंसर रहता है वही दिखा रहा लाइन, इसके अंदर बंद क्या रहे देख सकते हो, कुछ भी दिखा नहीं रहा इसके अंदर। और स्टीयरिंग घुमाने के बाद लेफ्ट राइट के बाद भी थोड़ा ये हिलता है, वो भी काम नहीं कर रहा इसके अंदर, ठीक है। तो देखते पहले इसको स्कैनिंग कर दे क्या दिखा रहा है उसके अंदर एरर कोड वगैरह। इसका जो कनेक्टर है यहाँ पे लगता है, इसका लोकेशन है कनेक्टर का ओबीडी का पोर्ट जो है। गाड़ी जो है यूरोपियन है तो पहले यूरोप में क्लिक करेंगे, उसके बाद मर्सिडीज यहाँ पे नीचे ओके, ठीक है। और इसको मैनुअल भी आप चेक कर सकते हो कैमरा वगैरह, पहले देखते स्कैनिंग में कुछ कोड दिखा रहा है क्या, फिर मैनुअल चेक करते खोल देना जब तक। तो उसका डिक्की वगैरह ओपन कर लेते हैं, मतलब जो साइड का है कैमरा वगैरह का मॉड्यूल वगैरह, इसका मॉड्यूल का लोकेशन वगैरह भी चेक करते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम अगर हम लोग कभी ढूंढते तो हम लोग को पता नहीं रहता इसका मॉड्यूल कौन सा है या मॉड्यूल का लोकेशन किधर है। तो जैसा कि देख सकते हो अभी इंजन के अंदर फॉल्ट दिखा रहा है, इसी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। इसका देख क्या हूँ, तो अभी ये स्कैनिंग हो रहा है, जैसे ये जो रेड आ रहा देख सकते हो, ये सब फॉल्ट दिखा रहा है इसके अंदर। 22% हुआ है अभी, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में नो फॉल्ट दिखा रहा है, बहुत सारे फॉल्ट है इसके अंदर। खोल डाला क्या तुम, खोलो ना तुम, जब तक इसमें दिखा रहा है ना, इसमें दिखा रहा है, तो इसमें बहुत सारे एरर है जैसा कि देख सकते हो आप, ये बहुत सारे फॉल्ट दिखा रहे हैं, मतलब ये सब कैमरे के फॉल्ट नहीं है, सब अलग अलग कोड है इसके अंदर। एक बार ये फॉल्ट क्लियर कर लेते और उसको मैनुअली जाके चेक करते पीछे की, मतलब इसका मॉड्यूल वगैरह क्या कंडीशन है क्या नहीं है, और या पूरा ये फॉल्ट क्लियर करते फिर वापस से एक बार देखते स्कैनिंग करके क्या फॉल्ट दिखा रहा है इसके अंदर। फॉल्ट क्लियर कर देते और एक बार छोड़ देता हूँ मैं इसको, फिर देखते हैं। खोल दिया गया, काफ़ी कोड है जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर। इसी में ओवर हीटिंग वगैरह में, इसमें ये सब जो ग्रीन वाले ये सब ओके, और जो रेड आ रहा वो प्रॉब्लम है। तो अभी हम लोग ने इसका ये जो है डिक्की का जो साइड का पैनल ये सब हम लोगों ने खोला है, देख सकते हो ये इसका लोकेशन वगैरह, ये इसका मॉड्यूल है, दिखो पटी फिट। तो हम लोग ने फाइनली चेक किया, इसका जो वायर है ना कैमरे का जो ऊपर से नेम प्लेट के पास जो इसका कैमरा लगा रहता है उसका वायरिंग का इशू, पूरा वायर ब्रेक है, आपको दिखाता हूँ। ये इसका मॉड्यूल का लोकेशन है, छोटा सा ये मॉड्यूल है इसका, और ये इसका वायर पूरा ब्रेक हो गया था। अभी हम लोग ने चेक किया, ये वायर जो है मतलब जहाँ से डिक्की बंद चालू होता है वहाँ से वायर जो है ट्यून होकर मतलब ब्रेक हो गया था, इसकी वजह से चल नहीं रहा था। तो फाइनली इसको वायर हम लोग ने काट के अभी जॉइंट कर लिया है, ये इसका वायर है कैमरे का। और अगर गाड़ी ओल्ड हो जाती है तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है, आपको ये चेक करना चाहिए, जो कैमरे का वायर है ये चेक करना चाहिए। जैसा कि देख सकते हो ये इसका ही प्रॉब्लम था, ये ब्रेक हो गया था वायर वहाँ से मतलब बैंड होके, क्योंकि डिक्की जो बंद चालू होती है वहाँ से। ये इसका लोकेशन है, बाकी यहाँ पे एम्पली वगैरह फिटिंग है और सेंट्रल लॉकिंग का मॉड्यूल और भी बहुत सारे मॉड्यूल यहीं फिटिंग रहते हैं इसके, ठीक है। तो फाइनली हम लोग ने इसका वायर अभी पूरा जॉइंट कर लिया, एक बार अंदर चलते स्टार्ट करके देखते काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा तो स्कैनिंग करके देखते क्या एरर कोड आ रहा है। स्टार्ट करते गाड़ी, एक मिनट, ठीक है, गाड़ी अभी पी में है, आर में डालता हूँ, देख सकते हो पार्किंग रिवर्स
तो इसका कैमरा जो है चालू हो गया, देख सकते हो आप पीछे गाड़ियाँ वगैरह खड़ी सब दिख रहा है इसके अंदर। पहले सिर्फ लाइन दिखा रहे थे, अब ये काम कर रहा, देख सकते हो गाड़ी वगैरह पीछे जा रही है, ये मतलब ऑन हो गया है। ठीक है, वापस से एक बार पी में डाल के वापस से देखते। ठीक है, पार्किंग कर रहे तो बंद हो जा रहा है, रिवर्स कर रहे तो काम, देखो ऑन हो गया, मतलब ये काम कर रहा है। उसमें जो प्रॉब्लम जो इसका फॉल्ट था वो वायर का ही था, वायरिंग का फॉल्ट था इसके अंदर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।